पिछले 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है सड़कों के लिए। वसुंधरा जी के लिए बोला है, उसमें हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास करें, जिसमें एक गौरव पथ है। यहाँ का लोकल है, इस वजह से सुकवंत को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ। जिसमें से 90% भाजपा प्रत्याशी को डलेंगे, सुकवंत सिंह को डलेंगे, 10% आर्यन खान। नहीं, हिंदू तो वोट डाल देते कांग्रेस को, लेकिन मुसलमान जो वोट है वो हिंदू को वोट नहीं मिलता है। योगी जी सही कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। कि अगर देश संगठित नहीं रहता तो बटेंगे तो कटेंगे। सुखवंत सिंह जी का जोर है, क्योंकि सुखवंत जी बढ़िया आदमी है। ये तो अगर वो नहीं आते तो पता चल जाता, कम से कम 15-20 हज़ार से हम जीतते थे पहले भी। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए हम चुनावी समीकरण जानने के लिए उस क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ पर रामगढ़ में इस समय हम मौजूद हैं। पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो दिवंगत विधायक हैं जुबेर खान, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और यहाँ से अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ से कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भाजपा ने सुखवंत सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सुखवंत सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आर्यन खान का यह पहला चुनाव है। आखिर किस तरीके का रामगढ़ में चुनाव होता है, मुद्दों पर होता है या व्यक्ति विशेष पर होता है, किन मुद्दों को लेकर आम जन सोचते हैं, कैसा उन्हें जन प्रतिनिधि चाहिए, यह बात जानने के लिए हम पहुँचे थे रामगढ़ में। सर, सबसे पहले जी सर, मुद्दे क्या हैं रामगढ़ के? विकास स्थानीय है सुखवंत जी। अब तक के क्षेत्र के विकास की बात करें तो कितने संतुष्ट हैं आप? पिछले 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है सड़कों के लिए। वसुंधरा जी के टाइम में यहाँ लगभग हर एक ग्राम पंचायत में 3 करोड़ रुपए का काम हुआ है। पिछले 5-6 साल तक तो कांग्रेस का ही राज। नहीं, पिछली की बात कर रहा हूँ। और पिछले चल रहा है। वसुंधरा जी के लिए बोला है, उसमें हर एक ग्राम पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपए के विकास करें, जिसमें एक गौरव पथ है। पंचायत, हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पर लगभग 50 से 70 लाख के बीच में 1 किलोमीटर का गौरव पथ है, वो शान है उस ग्राम पंचायत की। सबसे बड़ी बात है आर्यन खान है सामने, युवा है, और जुबेर खान की सिंपैथी उनको मिल रही है। हो सकता है मिल जाए, लेकिन सुखवंत जी भी यही के क्षेत्रीय हैं और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता है, हमारे बीच के ही कार्यकर्ता हैं, तो इस समय स्थिति सुखवंत जी की ज़्यादा मजबूत है इस क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे, रामगढ़ के चुनाव की बात कर रहे हैं, दो प्रत्याशी सामने हैं, सुखवंत सिंह हैं, आर्यन खान है, किस तरीके से देखते हैं दोनों प्रत्याशियों? यहाँ का लोकल है, इस वजह से सुखवंत को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। यहाँ गाँवों में भी जाओगे आप, और यहाँ तो ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं है कि जैसे कांग्रेस से पहले नाराज़गी रही, बीजेपी से कोई ऐसा वो नहीं है। इस वजह से सब सुखवंत को चाहते हैं, सीधा भी आदमी है और व्यवहारिक आदमी भी है। पहले उन्होंने प्रधानी किए तो उनको अनुभव भी है कि भाई क्षेत्र में किस तरीके से रहना है और किस तरीके की बातें करें। पिछले 2 चुनाव हार गई है यहाँ से भाजपा, वो तो उपचुनाव का भी तो फर्क था ना, उपचुनाव की वजह से हारे हैं, और पिछली बार टिकट गलत मिल गया था इस वजह से हारे हूँ, तो उसका तो फर्क बोला ही ना। तो पार्टी के साथ हैं या सुखवंत के साथ? भाई हम तो हाल में तो लोकल सुखवंत के साथ हैं, क्योंकि उनको जानते हैं, नज़दीक हैं उनके जी। पिछली बार फिर तो आपने सुखवंत को ही वोट दिया होगा? पिछली बार दिया ही है, इसमें क्या है? पार्टी को नहीं दिया था? नहीं, पिछली बार तो नज़दीक है हमारे। अच्छा, मेरे पर्सनल संबंध भी उनसे। चलिए, अच्छी बात है। क्या शुभ नाम, आपका परिचय क्या है? राजीव सैनी सर। आप किस पद पर हैं, क्या हैं? चेयरमैन नगर पालिका नौगांव चेयरमैन सर। नौगांव के आप चेयरमैन? हाँ जी सर। नौगांव की स्थिति बताओ, वहाँ क्षेत्र में अभी हम भी होकर आए थे। हाँ जी। तो झुकाव मुझे आर्यन खान की तरफ ज्यादा नजर? नहीं, आर्यन खान की तरफ नहीं है, हमारे वहाँ पे 8,000 वोट के आसपास है नौगांव नगर पालिका में, जिसमें से 90% भाजपा प्रत्याशी को डलेंगे, सुखवंत सिंह को डलेंगे, 10% आर्यन खान की। ऐसी क्या खास बात है इस बार? यहाँ जो भी है, जो सरकार ने काम कराए हैं वो कागजों में तो करा दिए, धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पाया। मुबारकपुर नगर पालिका किसने बनवाई? ये मुबारकपुर हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। क्षेत्र आपका लगता है, किसने बनवाई? जुबेर खान जी ने बनवाई थी। जुबेर खान? हाँ जी। फिर आप कहते हो काम नहीं हुआ? नहीं, तो वो धरातल पर तो नहीं हुआ, अब उसको कैंसिल करा दिया। नहीं, कैंसिल तो आपके बीजेपी सरकार में हो रही है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है साहब, जो है नगर पालिका मुबारकपुर की, इतनी मेरे को जानकारी नहीं है। नौगांव की बात आया था, जैसे यहाँ तहसील बना दी हमारे, वहाँ पे सिर्फ कागजों में तहसील है, ना कोई बिल्डिंग है। सीआई थाना बना दिया, थाने का निर्माण नहीं हुआ पाता, मतलब कागजों में काम हुए, धरातल पर काम नहीं हुआ। आपसे भी बात कर लेते हैं, हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि धर्म के नाम पर चुनाव होता है, क्या वाकई यहाँ हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है यहाँ पर? नहीं, हिंदू तो वोट डाल देते कांग्रेस को, लेकिन मुसलमान जो वोट है वो हिंदू को वोट नहीं मिलता है। धर्म के नाम पे वोट हिंदू नहीं डालता है, धर्म के नाम पे वोट मेयू डालता है। अच्छा, हिंदू तो कांग्रेस को देता है लेकिन
मुसलमान भाजपा को नहीं देता, नहीं देता। हाँ हाँ बताओ कहाँ देता है, कोई सबूत बताओ। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं आप जानना चाह रहा हूँ। हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक मैं हूं यहाँ पर जी। और सांप्रदायिक किरण क्या है, जुबेर खान ने 1990 में अगर इस इलाके को कलंकित किया है तो जुबेर खान ने किया है। इससे पहले यहाँ बूथ क्लियर चिंग कभी नहीं होती थी, 90 में बूथ क्लियर चिंग शुरुआत हुई, उससे पहले कभी बूथ क्लियर चिंग यहाँ पर नहीं हुई। मेयो को एकजुट किया, उनसे सांप्रदायिकता के आधार पर वोट डलवाया तो जुबेर खान डलवाए। और आप कहते हो सांप्रदायिक, देखिए अभी आप कह रहे थे कि जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस को दे देता है लेकिन जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को नहीं देता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जुबेर खान की राजनीति इसका मतलब बड़ी है। जो आपके हिंदुओं का वोट, जुबेर खान की राजनीति बढ़िया नहीं है सर, जुबेर खान की राजनीति ना बढ़िया थी ना बढ़िया है। जिसने इलाके में पहली बार बूथ कैप्चरिंग का कलंक लगाया वो जुबेर खान था, तो बड़े कैसे कह सकते आप। और जुबेर खान अपने आपको राष्ट्रीय लीडर कहता है, मैं कहता हूँ जिंदा नहीं है, वो अलग बात है। अगर वो जिंदा हो तो किसी अलवर शहर से किसी भी शहर से चुनाव लड़के दिखाते। अगर पंच चार बार जीते हैं वो, अरे सर चार बार जीते हैं, सिकंडी के दम पर जीते चुनाव, सिकंडी मीन्स खामरा, खामरा सिकंडी, दो बार तो उनके सामने खामरा रहे, तीसरी बार चार सिकंडी पैदा हुए जब जाकर चुनाव जीते 700 वोटों से। पिछली बार जगत सिंह जी, तो ये राजनीति बीजेपी को नहीं आती क्या सर? हिंदू जो आप क्यों नहीं खड़े कर, अरे सर सर मेरी बात, हिंदू जो है सही सुन है, वे जात बिरादरी नहीं देखता है, भाईचारा देखता है ना। लेकिन मुस्लिम वोट भाईचारा नहीं, वो एक नीचे एक बढ़ता है, वो बढ़ता नहीं है। योगी जी सही कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू बढ़ता है। और क्या रामगढ़ में भी ऐसे हालात हैं क्या, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, नहीं कटेंगे तो बटेंगे के, तो वो तो हमारे योगी जी ने जो दिया था वो सही कहा था कि भाई देश में जो है ना कि अगर देश संगठित नहीं रहा तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बाकी रामगढ़ का हालात तो ये है जी, सुखवंत सिंह जी का जोर है, क्योंकि सुखवंत जी बढ़िया आदमी है और क्षेत्रीय आदमी है, और सबसे बड़ी बात यह कि कोई बिचौलिया नहीं है कैसा भी इनके बीच में, सबको ये जानते हैं और इनको सब जानते हैं कि कैसे आदमी है, तो इनको सब पता है कि क्षेत्र में कौन कैसा है और कौन कैसा है, और इसीलिए सबके जन जन लाड लेंगे। क्योंकि जब इन ये प्रधान थे उस वक्त भी जो है अच्छा इनका काम था, विकास कराया खूब इन्होंने, और तब से इन्होंने अपनी पकड़ क्षेत्र में ऐसी बनाई है बहुत बढ़िया, तो सबके मन में एक ही बात है सुखवंत सिंह आपके पार है, सुखवंत सिंह पार है, लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दो बार क्यों हारे सुखवंत सिंह? दो बार सुखवंत सिंह नहीं आ रहे, ये दो बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब अलग अलग खड़े हो जाते हैं ना आदमी, इस वजह से आ रहे हैं। सरकार बन के जगत जी आ गए थे बीच में, बीच में होगा आ गए थे, और इस बार सुखवंत खुद आ गए, पार्टी फिर हार गई, सुखवंत जी नहीं आ रहे, ये खुद हिंदू आ रहे हैं इधर। ये तो भाई साहब सुखवंत जी के बड़प्पन है कि उन्होंने सरकार बनने के बाद ही मात्र 12,000 वोटों से हारे, क्योंकि सरकार बनने के बाद में, तो सरकार जब बन गई थी तो सारे कर्मचारी सारे सब कुछ जो है ना वो उनके साथ हो गया, पूरा प्रशासन उनके साथ हो गया, कांग्रेस साथ में, तो इसलिए सरकार हम जब मानते उसका साफिया खान का सर जब वो कम से कम 50,000 वोट से जीतती, लेकिन सरकार बनने के बाद मात्र वो जीती है कितने 12,000 वोटों से। आपका ये कहना उपचुनाव नहीं होते तो वो जीतते, बिल्कुल कम से कम 40-50,000 वोटों से सुखवंत जी जीते उस वक्त। जगत सिंह जी आ गए थे, ये गारंटी, जगत सिंह जी आ गए थे तो 24,000 वोट ले गए थे, नहीं तो अगर वो नहीं आते तो पता चल जाता कम से कम 15-20,000 से हम जीतते थे पहले भी। चलिए हम रामगढ़ में पहुंचे थे जहां पर इस समय भाजपा के कुछ समर्थक हमें मिल गए थे, यहां तहसील के सामने हम रामगढ़ विधानसभा चुनाव उपचुनाव की यहां प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंचे थे, जहां पर मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिली है। देखना होगा आगामी 13 नवम्बर को होने वाले चुनाव के बाद 25 नवम्बर को परिणाम आएंगे, किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं देखते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।